महामारी के कोहराम के बीच सरकार की तैयारी, सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल मंथन करेंगे पीएम मोदी। वैक्सीन को लेकर सरकार ने कसी कमर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी मुख्यमंत्रियों के साथ कल माथापच्ची करेंगे प्रधानमंत्री। कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर, आज तक से बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, अगले साल मार्च तक आ जाएगी वैक्सीन। जो पहले तीन महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाए। वैक्सीन के डोज को लेकर रोडमैप तैयार कर रही है सरकार, सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएंगे महामारी के टीके। देश में तैयार की जा रही है 5 कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ट्रायल के तीसरे चरण तक पहुंचे कुछ टीके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, रेल और ट्रेन से महाराष्ट्र आने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से महाराष्ट्र पहुंचने वाले मुसाफिरों पर होगी सख्ती, 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव जरूरी। अमित शाह ने दिल्ली में आरटीपीसीआर मोबाइल लैब को दिखाई हरी झंडी, निजी भागीदारी के साथ सरकार ने शुरू की योजना। पूरी दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर काम करेंगी 10 मोबाइल टेस्टिंग लैबोरेटरी, हर रोज इकट्ठे किए जाएंगे 30,000 सैंपल। मोबाइल टेस्टिंग लैब में सिर्फ 500 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, 6 घंटे के भीतर आएंगे टेस्ट के नतीजे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 6,700 से ज्यादा नए केस, 5,29,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना ने ली 121 लोगों की जान, अब तक 8,300 से ज्यादा की हो चुकी मौत। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए केस, 91,39,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। देश में 24 घंटे में 511 लोगों की जान गई, अब तक 1,33,000 लोगों की हो चुकी मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, अब तक 85,62,000 से ज्यादा की हो चुकी रिकवरी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,700 से ज्यादा नए मामले, 17,80,000 के पार हुई कुल मरीजों की संख्या। देश में बढ़े कोरोना संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, दिल्ली की हालत को लेकर जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा हलफनामा, 3 दिन में कोरोना से निपटने की पूरी जानकारी देने के निर्देश। कोरोना के खात्मे के लिए बनारस में भगवान भोले की खास पूजा, 1,00,000 बेलपत्रों से विशेष अनुष्ठान। मध्य प्रदेश में खुद जागरूकता फैलाने में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोगों को अपने हाथों से पहना मास्क। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना वाले इलाकों में शुरू हुए सर्वे, डोर टू डोर मुहिम का हिस्सा बने सरकारी स्कूल के शिक्षक। राजस्थान में दिल्ली से तेज है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 3,260 नए केस, कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू जारी। राजस्थान में शादी समारोह में सिर्फ 4 लोगों को इजाजत, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार का फैसला। दिल्ली के नांगलोई में फिर से खुली दुकानें, कोरोना की तेज रफ्तार के बाद फिर उमड़ी भीड़। बढ़ते कोरोना संकट के बीच अयोध्या में 22 नवंबर से शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा, 25 नवंबर से होगी 5 कोसी परिक्रमा। प्रयागराज में आज से खोले गए विश्वविद्यालय और कॉलेज, कोरोना संकट में कम दिखी छात्रों की संख्या। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने बांटे मास्क, कोरोना को लेकर लोगों को किया जागरूक। मध्य प्रदेश में मास्क को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, बिना मास्क वाले लोगों पर भड़के एसडीएम। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बगैर मास्क वालों पर पुलिस की सख्ती, 24 घंटे में काटे 1,000 चालान। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन, 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, पीएम मोदी ने जताया शोक। कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक हुए थे तरुण गोगोई, लेकिन फिर अचानक बिगड़ गई थी तबीयत। कांग्रेस के दिग्गज नेता थे गोगोई, राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी ने असम के पूर्व सीएम के निधन पर जताया दुख। बिहार की हार के बाद कांग्रेस में जारी है बगावती तेवर, गुलाम नबी आजाद ने बगैर नाम दिए राहुल गांधी पर साधा निशान। इश्क होना चाहिए आदमी को पार्टी से। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है, लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया। गुलाम नबी आजाद के बयान से कांग्रेस में खलबली, अधीर रंजन चौधरी ने दी पार्टी फोरम में बात रखने की सलाह। हर नेता का अपना तो आजादी है, लेकिन सारे ये तर्क मीडिया के सामने आकर उछलना, इसमें मेरा जरूर आपत्ति है। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने लगाया दम, प्रचार के लिए दिल्ली से पहुंचे प्रकाश जावड़ेकर। हैदराबाद में चुनाव के प्रचार के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की फजीहत, एक परिवार ने की बाढ़ राहत का मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत। ओवैसी ने बीजेपी मैनिफेस्टो में अपनी तस्वीर पर ली चुटकी, बोले विरोध में भी मेरा चेहरा करना पड़ा आगे।
ने वो निकाले इलेक्शन मैनिफेस्टो, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में तो मजा आ गया। कैसा मजा आया, मोदी की फोटो नहीं है, दूल्हे भाई की फोटो है। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने जिन्ना से किया असदुद्दीन ओवैसी की तुलना, कहा विकास से भी नहीं है ओवैसी का कोई नाता। दिल्ली में सांसदों को मिला गंगा जमुना सरस्वती आवास, पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। दिल्ली में जन प्रतिनिधियों के लिए आवास की इस नई सुविधा के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज से शुरू हुआ बिहार विधानसभा का सत्र, नए विधायकों को दिलाई गई शपथ, 5 दिन का होगा सेशन। पंजाब में खेती कानून के विरोध में जारी है किसानों का संघर्ष, 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच की तैयारी। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पंजाब में जोरदार तैयारी, लोगों से राशन नकदी और कपड़े इकट्ठे कर रहे किसान। 2 महीने बाद पंजाब में शुरू हुई ट्रेनों की आवाजाही, फिरोजपुर डिवीजन में चली 2 मालगाड़ी। लुधियाना में पंजाब रोडवेज के ठेका कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, ट्रांसपोर्ट माफिया से नाराज। पश्चिम बंगाल में 26 नवंबर को सीपीएम और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सरकार की मजदूर नीतियों का करेंगे विरोध। घर में गांजा मिलने पर गिरफ्तार कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष को थोड़ी राहत, सेशन कोर्ट से दोनों को मिली जमानत। मुंबई में ड्रग पेडलर को पकड़ने के दौरान एनसीबी की टीम पर हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में आरपीएफ ने बचाई 7 लोगों की जान, आत्महत्या के लिए रेलवे ट्रैक पर लेटा था परिवार। लव जिहाद को लेकर शाहजहांपुर में विश्व हिंदू परिषद का हंगामा, कहा लड़की बरामद नहीं हुई तो आतंकवादी बनकर जिहादियों को देंगे जवाब। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ट्रैक्टर के धक्के से गिरी दीवार, पास में खेल रहे 3 बच्चों की मौत। हरियाणा के फतेहाबाद में टीचर ने 2 बेटों के साथ की खुदकुशी, नहर से मिले बाप बेटे के शव, घरेलू कलह की वजह से दी जाए। दिल्ली से सटे नोएडा में 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट और पथराव में आधा दर्जन लोग घायल। पंजाब के पठानकोट में जमीन विवाद में 2 गुटों में जोरदार झड़प, घर में घुसकर चली तलवार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आजमगढ़ में ग्राम प्रधान ने बर्बरता से की महिलाओं की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाब के बठिंडा में घर में मृत पाए गए एक ही परिवार के 3 सदस्य, तीनों के सिर में लगी है गोली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 10 गाड़ियों ने दमकल की घंटों तक की मशक्कत। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मारे जाने के बाद पंजाब में सिक्योरिटी अलर्ट, जगह जगह चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन, लोगों के विरोध के बावजूद चला बुलडोजर। बिहार के सुपौल में एक शख्स ने की पत्नी की हत्या, कुछ घंटे के बाद खुद को भी गोली मारी। समस्तीपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन विश्वास, अलग अलग मामलों में वांटेड 50 आरोपी गिरफ्तार। अमेठी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10.5 लाख की अवैध शराब पकड़ी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में निजी अस्पताल के डॉक्टर ने की आत्महत्या, जहरीला इंजेक्शन लगाकर दी जान। अलवर में 3 साल की बच्ची से रेप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कोटा में कोचिंग शुरू करवाने के लिए जारी है आंदोलन, जल सत्याग्रह और सद्बुद्धि के लिए हवन। आजादी के बाद पहली बार देश में बनेगा सेना का कपड़ा, अब तक चीन ताइवान और कोरिया से किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बर्फ की बारिश, धर्मशाला में लगातार गिर रहा तापमान। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी का दौर, तापमान में भारी गिरावट, लोगों की मुश्किल बढ़ी। हिमाचल में अगले 5 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक बदला मौसम का मिजाज, गंगोत्री समेत कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी, 0 के नीचे लुढ़का तापमान। उत्तराखंड की औली में जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। जो जिला दर्रे पर भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल, श्रीनगर ले हाईवे ठप हुआ। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में भारी बर्फबारी, फिर से ठप हुआ ऐतिहासिक मुगल रोड। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी रौनक, घाटी का रुख कर रहे देश भर के सैलानी। 194 अंकों की बढ़त के साथ 44,077 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी बढ़त के साथ बंद। जुलाई से सितंबर की तिमाही में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई रिकवरी, एक सर्वे में किया गया था। सोमवार को लगातार 4वें दिन महंगे हुए पेट्रोल डीजल, डीजल के दाम 17 से 19 पैसे, पेट्रोल के दाम 7 पैसे बढ़े।
जल्दी महंगी हो सकती है मोबाइल कॉल। एयरटेल के सुनील भारती मित्तल ने कहा मौजूदा रेट पर बाजार में बने रहना मुश्किल। शेयर मार्केट में महिलाओं की दिलचस्पी में इजाफा, लॉकडाउन में महिलाओं के खातों में 32% बढ़ोतरी, 70% ने पहली बार किया निवेश। गौतम अडानी ने रोजाना 456 करोड़ कमाकर मुकेश अंबानी और बिल गेट्स को छोड़ा पीछे। एलन मस्क 2.12 हजार करोड़ रोजाना कमाकर टॉप पर। जूम और गूगल मीट को पीछे छोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा ऐलान, टीम्स पर अब 24 घंटे फ्री वॉइस और वीडियो कॉल। इस हफ्ते चंद्रमा पर मानव रहित मिशन भेजेगा चीन, चांद की सतह से पत्थर लाने की होगी कोशिश। कोरोना महामारी के बीच बेलारूस में नहीं थम रहा सियासी संग्राम, राष्ट्रपति लुकाशेंको को पद से हटाने के लिए एक बार फिर भारी विरोध प्रदर्शन। मध्यपूर्व में तेजी से बदलते हालात के बीच सऊदी अरब पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, सऊदी शाह और क्राउन प्रिंस से करेंगे मुलाकात। पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, 5,90,00,000 के पार कुल मरीजों की संख्या। अमेरिका में 1,26,00,000 के करीब मरीजों की संख्या, 2,62,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। जर्मनी में शुरू हुई कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी, की जा रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स की पहचान, स्वयंसेवकों से मांगे गए नाम। स्पेन के बार्सिलोना में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन, पोस्टर बैनर के साथ नाचते गाते नजर आए दर्जनों लोग। कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ क्यूबा में भी विरोध प्रदर्शन, राजधानी हवाना में सरकार के फैसले के खिलाफ नाराज। मैक्सिको में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, लोगों ने राष्ट्रपति पर लगाया कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने का आरोप। स्वीडन में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात के बीच और सख्ती जा सकती है पाबंदी, पीएम ने देश को किया संबोधन। कोरोना संकट के बीच अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान, मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़। अमेरिका से पोर्ट आयात को लेकर ताइवान में बड़ी नाराजगी, राजधानी ताइपे की सड़कों पर उतरे लोगों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे से पहले मुफ्त में भोजन बांट रहे हैं अमीर लोग, फ्री में पैकेट लेने के लिए लाइन में नजर आए सैकड़ों कार सवार। यूरोप में दिखने लगी क्रिसमस की रौनक, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में लगाया गया 18 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्रिसमस की शुरुआत, मेयर ने शानदार लाइटिंग के जरिए किया फेस्टिवल का उद्घाटन।